क्या सोचना कि क्या खोया क्या पाया। चिंतन तो आभार का आता है, अभिव्यक्ति तो अभिभूति की होती है। तो जो प्रथम उद्गार होगा, अभिव्यक्ति होगी, वह कृतज्ञता की होगी। सबकी ही संगठन के प्रति, दल के प्रति, जन के प्रति, गण के प्रति, विचारधारा और आदर्शों के प्रति, वरिष्ठ जनों, कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, सबके प्रति। ये शब्द है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के। ये शब्द महज शब्द नहीं बल्कि 3 साल का कार्यकाल पूरा करने पर मन से निकला सतीश पुनिया का पैगाम है, जो उन्होंने बड़े ही भावुक अंदाज में अपने चाहने वालों के नाम दिया है। दरअसल सतीश पुनिया ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष अपने 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक लेटर लिखा है। 4 पन्नों के इस लेटर में सतीश पुनिया ने अपने कार्यकाल के दौरान आए तमाम उतार चढ़ाव से लेकर उपलब्धियों तक का बखूबी बखान किया है। हालांकि पुनिया ने इस चिट्ठी में पिछले कई चुनावों में बीजेपी को मिली हार को विनम्रता से स्वीकार भी किया है। मसलन हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव, नगर निकाय और पंचायत समिति चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं मानता हूं कि उपचुनावों में हमारी कुछ रणनीतिक कमजोरी रही और कांग्रेस को बोलने का मौका मिला, लेकिन हमने उसकी भरपाई जिला परिषद में बहुमत हासिल करके पूरी कर ली और पहली बार किसी विपक्षी पार्टी को ऐतिहासिक बढ़त मिली। कामयाबी और नाकामी जिंदगी और दुनिया के सच हैं। अब सतीश पुनिया ने 4 पन्नों के इस भावुक लेटर में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिसकी सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुनिया ने इशारों इशारों में ही पार्टी हाईकमान को भी संदेश दे दिया कि वो आगे भी राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व करने को तैयार हैं और विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी को बड़ी जीत दिलाने के लिए वो इसी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे। साथ ही सतीश पुनिया ने अपने खत के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी मर्यादा का संदेश दे दिया। कहा कि कभी भी ऐसे नारे नहीं लगाएं जिससे विरोधियों को आलोचना करने का मौका मिले। सतीश पुनिया ने अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद आगे भी एक्सटेंशन के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि यूं तो राजनीति की लंबी यात्रा में टारगेट का अंत नहीं है, लेकिन मैं इस 3 साल के स्टेप पर कह सकता हूं कि जो अपेक्षा संगठन ने मुझसे की है, हमने अपनी टीम के साथ उसे मन, वचन और कर्म से पूरा करने की कोशिश की है। ये मिशन 2023 और 2024 के बाद भी जारी रहेगा और हम पार्टी के केंद्रीय संगठन के डायरेक्शन के मुताबिक काम करते रहेंगे। भविष्य में बीजेपी ऐसी पार्टी बने जिसे जीता नहीं जा सके, न ही जिसमें कोई सेंध लगा सके। इसके लिए हम पूरे समर्पण के साथ काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।